नमस्कार, मैं विवेक आपका आइडियल कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम रीजनिंग की क्लास सुचारू रूप से चल रही है, ठीक है, और जो बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है, ठीक, जिसमें हम सेकंड चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे दिशा परीक्षण, ठीक, उस चैप्टर की हम चर्चा पूरी कर चुके थे, जिसमें आज हम उसके क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे बोर्ड में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्वेश्चन देखिए जरा, लिखा है शारदा दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, 15 मीटर चलने के बाद वो 2 बार अपने बाईं घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली। अब वो अपने प्रस्थान स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, ठीक, हमें दूरी भी बतानी है और दिशा भी बतानी है, ठीक। तो देखिए भैया, दूरी, अगर हम दूरी कुल मिला के हमें दूरी पहले निकालनी है, ठीक। तो हम जैसे चैप्टर में आपके सर चर्चा कर चुके थे कि हम हमारी जो दिशाएं होती हैं वो कितनी हैं, 4 है, ठीक। ये दिशा हमारी पूरब और ये हमारी है पश्चिम और ये हमारी है उत्तर और ये हमारी दिशा है दक्षिण, ठीक। जिसमें जो मेन 4 डायरेक्शन हैं, यानी 4 जो दिशाएं, उसमें हमने चर्चा कर ली। अब इनके बीच में भी दिशाएं आती, जैसे आप इसके बीच में आप देखेंगे तो ये उत्तर पूर्व बनेगी, इसके बीच में आप देखेंगे तो पूरब दक्षिण बनेगी, और इसके बीच में आप देखेंगे तो पश्चिम दक्षिण बनेगी, और इसके बीच में देखें तो पश्चिम उत्तर बनेगी, ऐसा ही बोल सकते हैं या उत्तर पश्चिम बोले, ठीक। पिताजी को पापा बोलो या डैडी बोलो, बात एक ही है, ठीक है, इस हिसाब से। तो इस हिसाब से ये समझो कि आप उत्तर पश्चिम भी बोल सकते हैं, पश्चिम उत्तर भी बोल सकते हैं, ठीक। इस हिसाब से हमारी ओवरऑल डायरेक्शन जो हो गई वो कितनी हो गई, 8 हो गई, समझ में आ गया, ठीक। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन में, चर्चा करते हैं, ठीक। तो शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, ठीक, ये हमारी नीचे की ओर दक्षिण दिशा है, ठीक। इसमें 15 मीटर की दूरी बनते हैं, कितने मीटर की, 15 मीटर की, मान लीजिए यहाँ तक 15 मीटर हो, ठीक। इसके बाद चलने के बाद वो 2 बार अपने बाएं मुड़ी, भैया जब यहाँ से चल रही है अगर इस दिशा में चलेगी, हम ऐसे खड़े हो जाते हैं, कर अपने बाएं हाथ, तो इस हिसाब से अगर हम खड़े हैं तो ये हमारा कौन सा हो गया, दाएं हाथ हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, बाएं हाथ। तो वो 2 बार मुड़ी, तो पहली बार सोच लीजिए कि हमने ये यहाँ से यहाँ तक मुड़ी, दूरी कितनी तय कर रही, 15 मीटर, कितनी भैया, 15 मीटर, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 मीटर, ठीक। फिर कह रहा है बाएं घूमी और दोनों बार 15 मीटर, पहली बार तो हमने घुमा दिया, कितना चला, 15 मीटर। अब यहाँ मान लीजिए यहाँ आकर के शारदा खड़ी हो गई, ठीक। अब जब उसका बायां हाथ देखें तो राइट हैंड नीचे की ओर ऊपर जाएगा, तो ऊपर कौन सा, बाएं हाथ, फिर बाएं हाथ मुड़ेगी तो उसकी भी दूरी कितनी हो जाएगी, 15 मीटर। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। इसके बाद फिर कह रहा है चलिए अब वो अपने प्रस्थान स्थान से कितनी दूरी, भैया अपने प्रस्थान स्थान, मान लीजिए यहाँ तक ये दिशा हमने चली तो प्रारंभिक स्थान ये, तो जब इसकी दूरी 15 मीटर तो फिर इसकी भी दूरी तो 15 मीटर होगी, ये 15 मीटर, ठीक, क्योंकि ये कैसा एक वर्गाकार, ठीक, यानी वर्ग क्या होता है, वर्ग की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, दूरी कैसी होती है, समान होती है, तो यहाँ भी कितनी होगी, 15 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो वो अपने प्रस्थान स्थान से कितनी दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी, ठीक। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 15 मीटर की दूरी, ऑप्शन नंबर बी। अगर इसी में कह रहा दिशा की किस और किस दिशा में है, तो भैया जब दिशा की बात करेंगे, ये दिशा जब यहाँ से और किस, यानी इसकी दूरी तो हमारी 15 निकल के आ गई, अब जब दिशा की बात करें, दिशा सीधे देखी जाएगी तो ये आपकी उत्तर दिशा बनेगी, कौन सी दिशा बनेगी, उत्तर दिशा, ठीक। ना कि हमने ये कहा था कि यहाँ तक यहाँ भी खड़ी हो सकती है, तो फिर यहाँ भी इससे भेज देते, तो ये भी इसकी भी दूरी कितनी होगी, 15 मीटर, ठीक, ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। जैसा कि हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो ये बोर्ड में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है। एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, कुछ देर चलने के बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी,
फिर कुछ देर चलने के पश्चात वो फिर दाईं ओर मुड़ी, उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। ठीक, क्वेश्चन तो अच्छा है। ठीक, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में पहला नंबर लिखा है पूर्व, बी नंबर पश्चिम, सी नंबर उत्तर और डी नंबर है आपका दक्षिण। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन आपको समझाते हैं। आपको दिशाएं बता दी थी, चार होते हैं। ठीक, पहली दिशा ये होती है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक, कह रहा है एक दिन सुबह जब देखते होगे सूर्य जो निकलता है किस तरीके से, किस दिशा से निकलता है, पूर्व दिशा की ओर। तो इसका मतलब जो रीता जो चल रही होगी सूर्य की दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती हैं, तो इस दिशा की ओर यानी पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। ठीक, पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ, उसमें कह रहे हैं सूर्य दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। तो सूर्य हमारा किस दिशा से निकलता है, पूर्व दिशा की ओर से निकलता है। ठीक, फिर इस पर कुछ दूर चलने के बाद, मान लीजिए यहाँ कुछ दूर तक उन्होंने अपनी दूरी तय की। ठीक, फिर वो अपने बाईं ओर मुड़े। अब देखिए जरा उनका जो चेहरा था वो किस दिशा की ओर था, पूर्व दिशा की ओर, अपने बाईं ओर। मतलब इनका चेहरा इस तरफ की ओर, तो ये हमारा कौन सा है, इस तरफ से दाएं हाथ और इस तरफ बाएं हाथ, ये चल ऊपर की ओर। ठीक, इसके बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, फिर एक बार बाईं ओर, यानी दोबारा फिर वो कौन से बाईं ओर ही मुड़ रही। तो इनका जो चेहरा था अब इस तरफ, तो इस तरफ से देखेंगे तो ये हमारा कौन सा, दाएं हाथ और ये हमारा बाएं हाथ, तो किस इस दिशा की ओर। ठीक, यहाँ मान लीजिए। ठीक, अब इसके बाद फिर कह रहा है फिर कुछ देर चलने के पश्चात, यानी मान लीजिए कुछ दूरी उन्होंने तय की, तय कर ली भैया दूरी हमने कुछ। ठीक, फिर कह रहा है वो फिर दाईं ओर मुड़ी। अब देखिए अब इनका चेहरा इस तरफ है। ठीक, अगर इधर से यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ खड़ी हैं और इस तरफ है ये कौन सा, राइट हैंड और नीचे लेफ्ट हैंड, तो कह रहा है कौन सी दाईं ओर, तो ये ऊपर की ओर, ये उनका कौन सा हो गया दाएं हाथ, तो ये कौन सा हो गया। अब कह रहा उसका मुख अब किस दिशा की ओर है, तो अब ये लास्ट वाला पॉइंट हमारा किस दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही होगा, सी सही होगा। ठीक, समझ में आ गया। एक बार और चल दिखे लेते हैं लग से। कह रहा एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। ठीक, सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, हमने यह रीता है सूर्य की दिशा, सूर्य की किस दिशा निकलता है, पूर्व दिशा की ओर। ठीक, कुछ दूर चलने के बाद हमने कुछ दूरी तय कर ली। फिर कह रहा है वो अपने बाईं ओर, जब उनका चेहरा पूर्व दिशा की ओर होगा तो ये हमारा नीचे की ओर राइट हैंड, ऊपर की ओर लेफ्ट हैंड। ठीक, तो ये यहाँ तक कुछ दूरी उन्होंने तय की। फिर इसके बाद फिर वो बाएं मुड़ती हैं, तो बाएं यहाँ से यहाँ, अब इस तरफ ये राइट, इस तरफ ये लेफ्ट, तो ये वहाँ गई। ठीक, फिर इसके बाद फिर कह रहा है कि वो फिर दाएं मुड़ी, अब वो दाएं मुड़ गई, तो दाएं जब यहाँ से उनका इस तरफ सामने फेस है तो ऊपर राइट हैंड और नीचे लेफ्ट हैंड, तो ये हमारा कौन सा हो गया, उत्तर, यानी उत्तर दिशा की ओर। अब उनका जो चेहरा है मुख जो है किस दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर है। ठीक, समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर वो 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। ठीक, ऑप्शन आपके क्या है, दक्षिण, बी नंबर आपका है पश्चिम, और सी नंबर आपका है पूर्व, और डी नंबर है आपका उत्तर। ठीक, जिसमें कि देखिए ये आपका क्वेश्चन, दिशाएं बना ली हमने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक, कह रहा एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण दिशा कहाँ, नीचे की ओर, ये यहाँ पर है आपकी, तो ये आपके कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर। ठीक, फिर इसके कह रहा बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तो देखिए जरा इस तरफ फेस दक्षिण दिशा, तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरह खड़े होंगे, तो ये हमारा कौन सा, लेफ्ट हैंड, और ये हमारा राइट हैंड, तो कह रहा है बाईं ओर मुड़कर, यानी बाईं ओर जब मुड़ेंगे इस तरफ के, तो कितना कह रहा है 4 किलोमीटर। ठीक,
कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, अब फिर इसके बाद पुनः फिर वो बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी पहले चला कौन से दक्षिण दिशा, फिर मुड़ा बाईं इस तरीके से, और फिर मुड़ेगा बाईं तो इस तरीके से, तो ये ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा था, राइट हैंड, और इस तरीके से लेफ्ट हैंड। तो कितनी दूरी तय कर रहा है, 5 किलोमीटर, कितनी 5 किलोमीटर कह रहा। तो उसका मुख अब किस दिशा की ओर होगा, तो यहाँ मान लीजिए आगे, तो उसका दिश कौन सी दिशा की ओर होगा, उत्तर दिशा की ओर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात चर्चा करते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, जैसा का देख रहे हैं हम, क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, कोई व्यक्ति है अपने घर से चलना प्रारंभ कर रहा है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं ओर घूम जाता है और 6 किलोमीटर चलता है फिर दाईं ओर घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। ऑप्शन नंबर है आपके उत्तर, बी पूर्व, सी दक्षिण और डी आपका पश्चिम। चलिए देखते हैं, ये है आपका, समझाते हैं आपको, जैसे ये आपको दिशा मालूम है आपको, ये है आपकी पूर्व दिशा और ये है आपकी पश्चिम दिशा, ये है आपकी उत्तर दिशा और ये है आपकी दक्षिण दिशा। एक व्यक्ति अपने घर से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, यहाँ से चले 8 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर, ठीक, और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, अब इसका ये कौन सा राइट हैंड, इस तरफ लेफ्ट, बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक, बाईं ओर मुड़ जाता है और घूम जाता है, वो 6 किलोमीटर चलता है, तो अब कितनी दूरी तय की 6 किलोमीटर, ठीक, चलता है फिर दाईं ओर घूम जाता है। अब यहाँ से देखिएगा जरा, कह रहा दाईं ओर घूम जाता है, दाईं ओर का मतलब ऊपर की ओर इस तरीके, तो ये कितनी ओर दूरी तय कर रहा है, 5 किलोमीटर, ठीक, 5 किलोमीटर, ठीक। अब वो किस दिशा की ओर चल रहा है, तो कौन सी दिशा की ओर चल रहा है, उत्तर दिशा की ओर ही चल रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया, एक और विषय चर्चा कर लेते हैं। अगर यही दूरी, ठीक, ये आपको किलोमीटर और ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, और किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ठीक, और मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर से किलोमीटर से, तो अगर यहाँ से पूछ ले 1 मीटर की वैल्यू कितनी होगी, तो 1/1000 किलोमीटर, ये भी विशेष चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आज की क्लास का लाभ का लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन में कुछ अच्छा है, और क्वेश्चन ये आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ भी है और क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा अच्छा है, सोचने, चलिए देखते हैं। विजय ने सीधे पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया, 75 मीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़कर सीधे 25 मीटर की, कितनी दूरी, 25 मीटर चला, कितना 25 मीटर, उसने फिर बाईं ओर मुड़कर सीधे 40 मीटर की दूरी तय की, वो फिर बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला, कितना 40 मीटर दूरी तय की, वो फिर बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। तो देखिए जरा, जैसे मान लेते हैं आपको डायरेक्शन तो मालूम है, आपको दिशाएं तो मालूम है, ये है आपका पूर्व और ये है आपका पश्चिम और ये उत्तर और ये दक्षिण, ठीक, सब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। करा विजय सीधे पूर्व दिशा की ओर कितने 75 मीटर, भैया पूर्व दिशा हमारी ये है, ठीक, तो ये दूरी कितनी हो गई 75 मीटर। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखिएगा, उसने फिर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़कर सीधे, अब देखो चलने के बाद करा बाईं ओर, तो भैया राइट दे फेस इसका किसकी तरफ है, पूर्व, अपने आप को यहाँ खड़ा करिए, ठीक है, तो हमारा कह रहा है बाईं
बाई ओर मुड़कर 25 मीटर, तो अब उसका बाएं तो यानी राइट हैंड जो नीचे की ओर, ये बाएं हैंड तो इस तरह ऊपर की ओर, कितनी दूरी 25 मीटर की दूरी। ठीक, उसने फिर बाई ओर मुड़कर सीधे 40 मीटर की दूरी तय की। देखो तो ये 25 मीटर तो मुड़ा ही था, ठीक, इस तरीके से 25 मीटर तो मुड़ा, फिर इसके बाद 40 मीटर की दूरी कितनी, अब यहाँ से फिर मुड़ा वो किस दिशा की ओर, बाई, यानी उसके कैसे बाई की ओर, यानी ये इसका, अब इसकी दूरी कितनी हुई, 40 मीटर दूरी तय की, कितनी दूरी तय की, 40 मीटर की दूरी तय की। ठीक, और भी आ गया, ये आपका 40 मीटर की दूरी, ठीक, यहाँ तक करके ये आपका कितनी दूरी होगी, 40 मीटर। ठीक, फिर कह रहा है वो फिर बाई ओर मुड़ा और 25 मीटर की दूरी तय की। तो देखो यहाँ से खड़ा था, अब उसका फेस इस तरफ है, अब बाई ओर मुड़ेगा तो बाहर देखो इस तरह से जैसे मान ली यूं ऐसे खड़ा हो गया, ठीक, ये खड़ा है, तो कह रहा बाई ओर, तो बाई नीचे की ओर जाएगा, ऊपर की ओर दाएं, कह रहा बाई ओर मुड़ा कितनी दूरी कैद की, 25 मीटर की, कितनी दूरी कैद की, 25 मीटर की। ठीक, तो कह रहा वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। भैया प्रारंभिक स्थान हमारा ये था, ये दूरी कितनी थी टोटल 75, कितनी थी 75, ये टका कितनी है 40, 75 माइनस 40 करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 35 मीटर, कितनी आ जाएगी 35 मीटर, ऑप्शन नंबर आपका डी, राइट। देखिए एक बार और समझ लीजिए, क्वेश्चन बढ़िया है, तो यहाँ जब करेंगे तो 75 माइनस 40 करेंगे तो ये आपका आ गया 35 मीटर, जैसा कि मानते आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए एक बार और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिए। कह रहा है विजय ने सीधे पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया और 75 मीटर की दूरी तय की, हम पूर्व दिशा की ओर चले और यहाँ कितनी दूरी, 75 मीटर की दूरी तय की। फिर कह रहा है कि उसके बाद वो बाएं, अपने बाएं हाथ की ओर यानी लेफ्ट की ओर मुड़ा, कितनी दूरी कही, 25 मीटर की दूरी तय की, उसने बाई ओर मुड़कर सीधे 40 मीटर, फिर इसके बाद 25 मीटर चलने दूरी चलने के बाद फिर वो बाई ओर मुड़ा तो कितनी दूरी, 40 मीटर की दूरी तय की। ठीक, यानी फिर इसके बाद वो फिर बाई ओर मुड़ा 25 मीटर की दूरी, यानी फिर यहाँ आने के बाद फिर 25 मीटर की दूरी गए तो ये कितना गए, 25 मीटर की दूरी तय की। तो कह रहा वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दो हमें दूरी निकाली, प्रारंभिक बिंदु तो हमारा ये, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो कितनी दूरी आ गई, 35 मीटर, 75 माइनस 40 करिए तो टोटल का कितनी दूरी निकल के आएगी, 35 मीटर। समझ में आ गया, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, बीएड एंट्रेंस ज़्यादा दिन समय आपके पास है नहीं है, और मेहनत करिए, और आपसे थोड़ी ये कहना था आपसे कि एक रिक्वेस्ट ही हमारा समझ लीजिए कि जो चैनल है हमारा उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए अपने मित्रों को, अपने छोटे बड़े भाई बहनों को, सबको ये वीडियो को भेजें, शेयर करें और कमेंट भी करें। ठीक, तो आपका प्यार यूं ही बनता रहे और यूं ही हमारा बरकरार, जो हमारा प्यार है वो आपके प्रति बना रहे और आपका प्यार जो है वो हमारे प्रति बना रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।